गुड इवनिंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। गुड इवनिंग। चलो, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 1.3। वी हैव स्किप्ड एक्सरसाइज नंबर 1.2 फॉर वन डे ओनली फॉर ए रीजन। ऐसा कोई रीजन नहीं है कि ज्योमेट्री आएगी तब करेंगे, जैसे आपको कहीं और से रीजन सुनने को मिला, ऐसा कोई रीजन नहीं है। रीजन ये है कि आप लोग कंस्ट्रक्शन मटेरियल आया है नहीं, और कल ध्यान आया नहीं कि आपको बता दें, ध्यान में नहीं आया, सो सॉरी फॉर दैट। तो हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे, पक्का करेंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल कल सब लेके आएंगे। सो एक्सरसाइज नंबर 1.3 आज कर लेते हैं। इसमें होपफुली कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसमें हमको कंस्ट्रक्शन मटेरियल की जरूरत है। चलो स्टार्ट करें। ऑन दिस टोटल एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन द टॉपिक, टॉपिक नेम बताऊं मैं इसमें। दिस टोटल एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन द टॉपिक डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म, जो हम ऑलरेडी जिसका इंट्रोडक्शन हम कर चुके हैं। कर चुके हैं, टेल मी एवरीवन, हम कर चुके हैं इसका इंट्रोडक्शन, डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म पर ये टोटल एक्सरसाइज बेस्ड है। इसका इंट्रोडक्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। कितने तरीके के डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म्स होती हैं? तीन तरीके की, तीनों के नाम कहता है, बोलो। फर्स्ट बोलो, पूरा नाम बोलो फॉर्म। ओके, सेकंड बोलो, बोलो सेकंड, टर्मिनेटिंग, रेकरिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म। ओके, तीसरा दो हो गए, तीसरा बोलो, लास्ट वाला बैठ के बोलो, ठीक है। सो ये तीन तरीके के डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म्स होंगी, इस पर ये एक्सरसाइज बेस्ड है। या तो क्वेश्चन में टाइप पूछेगा बताओ, और या फिर देगा। रीति आप ही एब्सेंट थे? हाँ, कल नहीं होंगे, पहले तो थे शायद, अभी एक दो दिन पहले भी थे शायद आप, ऐसा याद आ रहा है मुझे, नहीं थे, ठीक है। चलो एनीवेज, आओ क्वेश्चन नंबर वन इज, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से What kind of decimal expansion each has? क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शन समझ में आए? पहले तो आप इनकी डेसिमल फॉर्म बताइए, बनाइए, मतलब डेसिमल फॉर्म क्या है वो बताइए इन सारे क्वेश्चंस की, ठीक है। हर एक रैशनल नंबर की, या हर एक रियल नंबर की कहो, इरेशनल की भी होती है, हर एक रियल नंबर की डेसिमल फॉर्म होती है। तो ये सारे के सारे नंबर्स रियल नंबर हैं, और रियल में भी किस टाइप के हैं? रैशनल टाइप के हैं, क्योंकि सारे के सारे पी बाई क्यू की फॉर्म में सबको दिखाई दे रहे हैं। बोलो, ये पी बाई क्यू की फॉर्म में दिखाई दे रहा है, तो सब लोग सारे अगर नंबर हमको पी बाई क्यू की फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, तो सारे के सारे रैशनल है, ये बात क्लियर है। तो इन सारे रैशनल नंबर की डेसिमल फॉर्म बताइए। जैसे इनकी डेसिमल फॉर्म पता चले, तो अगला काम है क्या करना है, उसका टाइप बताइए, काइंड बताइए, काइंड मतलब टाइप बताइए। जो तीन टाइप अभी बताया ना, एक किसने बताया, किसने बताया, किसने बताया, उनमें से कौन सा टाइप में फॉल होता है, ये आपको बताना है। ओके, तो एक बार मैं फिर से, क्योंकि हम टॉपिक इंट्रोडक्शन कल कर चुके हैं, आज नहीं किया, तो मैं एक बार फिर से तीनों के शॉर्ट फॉर्म में नाम लिख देता हूं। पहले पहली टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म क्या होती है, उसका नाम क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म, DEF, ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म आपको पूरा लिखना है, अभी शॉर्ट में लिख रहे हैं। सेकेंड का टाइप बताइए, रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म, रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म। एंड द थर्ड वन, तीसरे का नाम बताइए, नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म, नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म। एनी डाउट्स मितांशी, एनी डाउट? हाँ, ओके। अब इन तीनों में कोई एक टाइप हो इन सारे क्वेश्चंस का, यस और नो, टेल मी, यस और नो, यस और नो? नो, ऐसा थोड़ा ना, टीचर जो भी पूछेगा हाँ हाँ करवाएगा तो हाँ कर दोगे। तीसरा कैसे हो सकता है किसी का भी, तीसरा कैसे हो सकता है किसी का भी, तीसरा तो इरेशनल नंबर का होता था, ये सारे रैशनल है, अभी अभी आपने हाँ करी है, अभी अभी आपने हाँ करी है ना, ये रैशनल नंबर्स हैं। तो रैशनल नंबर की डेसिमल फॉर्म दो ही टाइप की हो सकती है, तीसरे टाइप की नहीं हो सकती। सो तीसरा तो देखते ही, क्वेश्चंस की शक्ल देखते ही तीसरा तो मैं कर देता हूँ रूल आउट, क्योंकि छह के छह क्वेश्चंस पी बाय क्यू की फॉर्म में है, दैट मींस दे आर रैशनल, और रैशनल का कभी भी नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म नहीं हो सकता, या तो होगा तो टर्मिनेटिंग होगा या रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग होगा।
टर्मिनेटिंग मतलब स्टॉप हो जाए ऐसा होगा, और अगर नहीं होता है स्टॉप चलता जाता है तो उसमें भी पैटर्न बनेगा, एटलीस्ट रेकरिंग बनेगा, यानी कि बार लग सके। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो बार लग सके ऐसा फॉर्म होगी, और या फिर रुक जाए स्टॉप हो जाए ऐसी फॉर्म होगी। ठीक है, क्लियर? एनी डाउट्स? नो? ओके, चलिए अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से काइंड व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन है। अब डेसिमल फॉर्म कैसे बनाते हैं? तो डेसिमल फॉर्म बनाने के लिए बेसिक मेथड इस बड़ा ही सरल सा बेसिक मेथड है कि डिवाइड द न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करके हम डेसिमल फॉर्म बनाते हैं। सरल सा मेथड ये है। लेकिन अगर हमको नीचे ऐसा नंबर दिखाई दे जैसा कि 10, 100, 1000, 10,000, जो जीरो से एंड होते हैं, तो हमको डिवाइड करना की जरूरत नहीं पड़ती और आसान है डेसिमल फॉर्म बनाना। कैसे? अगर नीचे दो जीरो हैं तो राइट साइड से काउंट करते हुए दो डेसिमल पॉइंट लगाने हैं, तो 1, 2 पॉइंट खत्म, और कुछ नहीं है, तो हम जीरो लगा सकते हैं, 0.36 इसका आंसर हो जाएगा। अगर नीचे दो जीरो हैं तो राइट साइड से काउंट करते हुए 1 एंड 2, दो डेसिमल प्लेसेस पे हम पॉइंट लगा देंगे। सपोज करो नीचे एक ही जीरो होता तो ये डेसिमल कहाँ लगता? एक ही प्लेस पे लगता, तो 6 के बाद ही लग जाता, 3 के बाद, 3 के लेफ्ट में नहीं लगता, 6 के लेफ्ट में लग जाता, तो आंसर क्या हो जाता? 3.6। समझ में आया महेंद्र? अगर दो डेसिमल प्लेस हैं तो देखो, अब ऐसे मानो अभी डेसिमल यहाँ है, इस समय डेसिमल कहाँ है? यहाँ। दो जीरो है ना नीचे, तो उठ के पहले तो 6 के लेफ्ट में है, और दूसरे जीरो के कारण उठ के 3 के लेफ्ट में आ गया, तो डेसिमल कहाँ पहुंच चुका है? अभी यहाँ पहुंच चुका है, तो मैं इसको 0.36 लिख सकता हूँ। लेकिन 0.36 लिखने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, तुमने एक जीरो दे दिया इसको, 0.36, पॉइंट से पहले क्या है, कोई नंबर ही नहीं है ना, तो जीरो डाल दिया। ठीक है, तो 0.36 भी अगर लिख दोगे तो गलत तो नहीं होगा, ऐसा नहीं मार्क्स कट जाएंगे, बट अच्छा लगेगा अगर हम 0.36 लिख के आएंगे, प्रेजेंटेटिव लगेगा। ओके, सो पहला क्वेश्चन लिखो और उसके सामने उसकी डेसिमल फॉर्म लिखो, जल्दी लिखो। लिख दिए डेसिमल फॉर्म। जैसे ही डेसिमल फॉर्म लिखी, अगली लाइन में उसका टाइप लिखो। तो बताओ तीनों टाइप में से कौन सा, तीन में से एक तो रूल आउट हो गया, दोनों टाइप में से कौन सा है? टर्मिनेटिंग, स्टॉप हो जाए ना कहीं आगे, चलता जा रहा है चलता जा रहा है चलता, तो टर्मिनेटिंग है, और चलता जाए चलता जाए चलता जाए और उसमें बार लग सके तो वो है रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। इन दोनों में से कौन सा है जस्ट आपको ये बताना है। तो ये कौन सा है? टर्मिनेटिंग। सो एक कंक्लूडरी स्टेटमेंट लिखेंगे इसका हम, हेयर द गिवन रैशनल नंबर है, चलो अपन नंबर डाल देते हैं, द गिवन नंबर, वैसे आप पर्टिकुलरली बताएं तो रैशनल नंबर ही है ना, द गिवन नंबर हैज व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग, पूरा नाम लिखना सरनेम के साथ, डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म। फुल स्टॉप। यहाँ पे ही हमारा क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन खत्म। बस इतना सा काम करना है, पहले डेसिमल फॉर्म लिखो फिर टाइप लिखो, फॉर्म लिखो टाइप लिखो, फॉर्म लिखो टाइप लिखो, डन। ओके, ये क्वेश्चन एक बार हो जाए फिर मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसमें फॉर्म की जरूरत, मतलब जो डेसिमल फॉर्म है उसकी जरूरत ही नहीं है, मैं सीधे ही टाइप बता सकता हूँ। शायद मैंने पहले बताया भी, शायद इंट्रोडक्टरी क्लास में थोड़ा सा इसका जिक्र किया था, अभी अपन करके भी देखेंगे। ठीक है, देखो अगर फॉर्म पूछता है और टाइप पूछता है तब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, फॉर्म बनाओ डिवाइड करके और फिर टाइप देख लो और बता दो। लेकिन सवाल ऐसा आ जाए कि केवल टाइप बताओ, फॉर्म नहीं चाहिए, मतलब इसकी वैल्यू क्या है, 0.36 है, 0.27, उससे मतलब नहीं है, बस इतना बता दो उसकी जो भी वैल्यू आएगी डेसिमल फॉर्म में वो किस टाइप की आएगी। केवल टाइप पूछता है तो वो काम करने की जरूरत नहीं है, सीधे ही टाइप बता सकते हैं, तो वो भी बता देंगे एक बार, 6 के 6 एक बार करते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में तो वैसे भी फॉर्म बतानी है ना, तो डिवाइड तो करना ही है। ठीक है, ओके, सेकंड क्वेश्चन नोट डाउन करो, इसका सेकंड पार्ट, मतलब 1/11। अब 1/11 के साथ तो और कोई चारा नहीं है, इसको तो डिवाइड करके ही देखना पड़ेगा। बच्चे करना आता है सबको डिवाइड, 1 को 11 से डिवाइड करना है, 11 को 1 से नहीं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। अब ये जो डिवीजन करने का काम है वो आप फेयर में शो भी कर सकते हो और आप चाहो तो रफली भी शो कर सकते हो, क्योंकि क्लास 9th में डिवाइड कैसे करते हैं ये कोई नहीं पूछने वाला, आपको तो फॉर्म बतानी है। ठीक है, सो मैं इधर करके बता रहा हूँ, आप चाहो तो आपके फेयर वर्क में नोट भी कर सकते हो, करो तो राइट साइड करना, क्वेश्चन के राइट साइड में इस टाइप की कैलकुलेशंस करी जाती है। ठीक है ना, सेंटर में मत करना, और आप चाहोगे नहीं सर दिखानी नहीं है तो आप रफली भी इसको कर सकते हो, एज यू विश। अगर डिवाइड करना नहीं आता है किसी को, अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर तो कर दो, और जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है डिवाइड कर लेते हैं आसानी से, तो वो चाहे से ना भी करे तो चलेगा। ओके,
और अगर प्रॉब्लम है तो फिर लिख दो, ताकि जब आप रिवाइज करो तो आपके सामने वो डिवीजन एल्गोरिथम लिखा हुआ हो, तो आपको रिवाइज हो जाए कि सबने कैसे डिवाइड किया था। ओके एज यू विश। चलो 11 से 1, सॉरी 1 से 11 नहीं कटता ना, मतलब 11 की डबल 1 नहीं आता, तो क्या करते हैं हम फिर ऐसे केसेस में, जीरो लगाते हैं और डेसिमल लगाते हैं, या डेसिमल कह दो, पॉइंट कह दो, ठीक है, दशमलव हिंदी में कह दो, कुछ भी कह दो। ओके अब 10 बनने के बाद भी इसकी रेंज का नहीं निकला, अभी 10 भी इसकी इसके औकात से बाहर है, 11 नहीं है तो, है ना, इसकी टेबल में 10 भी नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, एक जीरो और लगाएंगे। लेकिन याद रहे, एक जीरो और लगाएंगे तो एक फुल स्टॉप और मत लगा देना। अब क्या लगेगा, जीरो, पहली बारी के लिए फुल स्टॉप लगता है, यानी कि डेसिमल लगता है, उसके बाद जितने भी आप जीरो लोगे तो जीरो ही लगता है। ओके सो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे जीरो लगा दूंगा। अब 100 इसकी रेंज में आ गया, 100 इसकी 11 की टेबल से कितनी बार कट सकता है, 11 9 जा 99। ओके रिमाइंडर क्या बच गया, 1। ओके अब देखो स्टार्ट कहाँ से किया था आपने और वापस किस मोड पे हो आप, तो जब 1 होता था तो क्वेश्चन क्या बनता था, 0.09, 0.09 क्वेश्चन बनता था। वापस 1 है तो वापस क्या बनेगा, अगर रिमाइंडर रिपीट होता है ना तो हमेशा क्वेश्चन पे रिपीट होता है, याद रखना। चाहे ऐसे मैं करके दिखा देता हूँ, चलो फिर से करके दिखा देता हूँ, आप चाहो तो हिंट्स भी ले सकते हो, नहीं तो करके भी देख लो। वापस जीरो लगाओ, एक जीरो तो फ्री का मिलता है, इसको डिवाइड करना सबको आता है ना, एक जीरो तो फ्री का मिलता है, लेकिन 10 से पार नहीं पड़ी, दोबारा दूसरा जीरो जब लगाएगा तो उधर एक और जीरो लगेगा, क्वेश्चन में भी जीरो लग जाएगा। अब वापस 11 9 जा 99, वापस रिमाइंडर 1 आया, तो ये 1 रिमाइंडर पीछे ही नहीं छोड़ रहा, आता जा रहा है आता जा रहा है, दैट मीन्स क्वेश्चन भी मेरा रिपीट होता जाएगा। तो इसकी जो फॉर्म बनेगी, डेसिमल फॉर्म, वो क्या बनेगी, 0.0909, इस तरीके से 0909 चलता जा रहा है, तो डॉट डॉट डॉट, 3 डॉट का मतलब वो चलता जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको मोर पर्टिकुलरली बताएं तो जो रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग है उसको हम बार की फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना, तो मोर पर्टिकुलरली बताएं तो कैसे लिखेंगे, 0.09 और 09 के ऊपर बार, ठीक है। तो आप दोनों फॉर्म्स लिख के आएंगे एग्जाम में, पहले आप डॉट 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 वाली फॉर्म लिख के आएंगे और फिर आप बार वाली फॉर्म लिख के आएंगे कन्वर्ट करके, ठीक है। बट ये मत कर देना कि बार भी लगा दिया और डॉट 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 भी लगा दिया, ऐसी कोई फॉर्म नहीं है, या तो डॉट 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 लगाओ या फिर बार लगाओ। कई बार जल्दीबाजी में क्या करते थे, बार तो लगा दिया, आगे फिर से डॉट 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 लगा देते हैं, फिर से डॉट 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 लगाने का मतलब बार वाला नंबर रिपीट हो रहा है, बार वाला नंबर बार के साथ रिपीट हो रहा है, ठीक है ना, तो वो तो पता नहीं क्या ही बना दिया तुमने, ऐसी तो कोई फॉर्म ही नहीं होती। ओके चलो अब इसका टाइप भी तो बताना है, सो हियर द गिवन नंबर हैज व्हाट टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, टेल मी। टर्मिनेटिंग से पहले एक वर्ड लगाना पड़ेगा, क्या, रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग, मैं लिख देता हूं किस तरीके से लिखेंगे इसको, रेकरिंग पहले लिखेंगे और नॉन टर्मिनेटिंग एक साथ लिखेंगे, रेकरिंग और फिर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एक साथ, और फिर डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म सरनेम में वो तो लगेगा ही लगेगा, डन। अच्छा ये जो टाइप है इसको अंडरलाइन कर देना, रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग, पिछले वाले में टर्मिनेटिंग को अंडरलाइन कर लेना, ठीक है, क्योंकि मेरे पास तो डिफरेंट कलर्स हैं हाईलाइट करने के लिए, आपके पास डिफरेंट कलर्स तो का ऑप्शन नहीं होगा, तो यू विल अंडरलाइन दैट, ताकि वो हाईलाइट होता रहे कि मेन आंसर ये। ओके चलें द थर्ड वन, थर्ड वन क्वेश्चन नंबर थर्ड, चलें क्वेश्चन नंबर थर्ड इज 1/11 के बाद आ गए हम तीसरे पे, 4 1/8। अब 4 1/8 जो फ्रैक्शन है सर, आपने कहा था न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करो, कहा था ना, बट इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अलावा एक नंबर और दिखाई दे रहा है, 4 दिखाई दे रहा है, सो इसका क्या करें, तो दो ऑप्शन बताता हूं। पहला ऑप्शन है, जो बेसिक ऑप्शन है वो क्या है, ये अभी कैसा फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको क्या कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है, वो कैसे करेंगे, तो उसको हम ऐसे करेंगे, 8 × 4, 8 4 जा 32, और जो न्यूमरेटर उसको ऐड कर देंगे, 8 4 जा 32 + 1 33/8। अब तो ये वैसा वाला दिखाई दे रहा है जैसा और फ्रैक्शन है, पी बाय क्यू की फॉर्म वाला, अब 33 को 8 से डिवाइड कर दो और डेसिमल फॉर्म बनाओ, सारे लोग बनाओ 33 को 8 से डिवाइड करके डेसिमल फॉर्म बनाओ, बच्चों वाला काम है, तो क्लास 9 स्टूडेंट के लिए पहले आप 4 1/8 को 33/8 में कन्वर्ट करो, एंड देन डू द रेस्ट वर्क, 33 को 8 से डिवाइड करने वाला।
अदर्स बोलो फिर। 1 to 5। फोर पॉइंट 1 to 5। 4.125। सबका आ गया है आंसर 4.125। चलो अब एवरीवन ऑन द स्क्रीन, 4.125 ये आंसर आया सबका। अब रफली सारे बच्चे 1/8 करो, ओनली 1/8 करो, रफली करना और बताओ क्या आंसर आएगा। सारे बच्चे 0.125 करने से पहले बता दिया, गुड। 0.125। देखो कोई बच्चा अगर हमारे पैन उठाने से पहले आंसर दे रहा है तो ये खुशी की बात नहीं है, टेंशन की बात है हमारे लिए। देखो खुशी की बात नहीं माननी है, चलो बला टली आंसर आया। ये टेंशन की बात है कि मैं क्यों नहीं बता पाया, मुझसे पहले कैसे मैं पेन उठाया और अगले का आंसर आ रहा है, तो ये हमारे लिए टेंशन का इशू होना चाहिए। यानी कि मेरी स्पीड भी वैसी होनी चाहिए क्योंकि वो बच्चा भी तो मेरी क्लास में ही है, हम अगर सेम हैं तो मुझे भी उस लेवल की कैलकुलेशन स्पीड बनानी। ओके ये क्या बना 0.125। अब सुनो बच्चों, 4 1/8 था सवाल, अब आप हमेशा के लिए याद रखना कभी भी मिक्स फ्रैक्शन हो तो उसको ऐसे तोड़ सकते हैं हम। 4 1/8 है ना, उसको तोड़ के हम लिख सकते हैं 4+1/8। क्या लिख सकते हैं, कई बच्चे यहाँ पे इंटू लगा देते हैं, वो गलत है। 4 1/8 का मतलब 4 × 1/8 कत्ता ही नहीं होता, ठीक है ना। 4 1/8 का मतलब 4 × 1/8 नहीं होता, क्या होता है 4+1/8। अब 4+1/8 में आप केवल 1/8 का डेसिमल एक्सपेंशन भी करो और 4 को एज इट इज लिख दो। 1/8 का डेसिमल एक्सपेंशन अभी आपने करके बताया मैत्री ने 0.125। अब 4 के साथ 0.125 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 4.125, वही सेम आंसर आ रहा है। तो एक तो देखो आपने यहाँ पे 1 को 8 से डिवाइड किया, वहां पे आपने 13 को 8 से डिवाइड किया, जितने बड़े नंबर को डिवाइड करेंगे उतनी तकलीफ बढ़ेगी, तो बेटर है कि ओवर 4 1/8 में 4 को छुपा दो और 1/8 का डेसिमल फॉर्म बनाओ और 4 उसके साथ लगा, ज्यादा आसान काम है और चलो तो वैसे जैसे कर रहे हैं। मैंने जस्ट आपको कैलकुलेशन टेक्निक बताई, दो डिफरेंट कैलकुलेशन टेक्निक, चूज व्हाट एवर यू लाइक जिससे आप कंफर्टेबल। ओके डन। और एक चीज और सुनो, कुछ कुछ ऐसे फ्रैक्शंस हैं जिनकी डेसिमल फॉर्म आगे के लिए हमेशा के लिए याद हो तो अच्छी बात है। कैसे, जैसे सबको पता होना चाहिए कि 1/2 हाफ होता है, हाफ हाफ की डेसिमल फॉर्म होती है 0.5, सबको पता होना चाहिए, छोटी मोटी बात है। ऐसे नहीं 1/2 आया तो मैं 1 को 2 से डिवाइड करके देख रहा हूँ, ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन हो गया एक तरीके से क्लास 9 के स्टूडेंट के लिए। 1/2 का मतलब क्या होता है, हाफ। 1/2 मतलब हाफ और हाफ मतलब 0.5। 1/4 मतलब 1/4, 1/4 की डेसिमल फॉर्म क्या होती है, और 1/8 का मतलब 0.125। ये तीन तो डायरेक्ट याद होने चाहिए। ओके 1/2 मतलब 0.5, 1/4 मतलब 0.25, क्योंकि आपने डिवाइड करके देखा या नहीं देखा उससे उसको कोई मतलब नहीं है। अगर आपको 1/8 की फॉर्म 0.125 डायरेक्ट याद है तो भी आपको उतने ही मार्क्स मिल रहे हैं, और आप डिवाइड करके देख रहे हो तो भी आपको उतने ही मार्क्स मिल रहे हैं। ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन चेकिंग कि आपने डिवाइड किया। मैंने क्या कहा, डिवाइड डिवीजन वाला पोर्शन तो आप फेयर करोगे नहीं भी तो भी चलेगा, क्योंकि आप क्लास 9th में है, 4th 5th में नहीं है कि डिवाइड करना आता है कि नहीं आता है उसको ये चेक करना है, समझ गए। तो जब मार्क्स सेम मिल रहे हैं तो क्यों ना याद कर लूं, इजी इजी चीज है, क्योंकि ये ऐसे फ्रैक्शन है जो हर दूसरे तीसरे क्वेश्चन में बार 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 दिखाई देते हैं, तो इनकी वैल्यू याद ही कर ले तो बढ़िया है। 1/3 की भी याद होनी चाहिए, 0.333333 इस तरीके से वो चलती है, इसकी नॉन टर्मिनेटिंग चलती है, ठीक है। ओके चलो कम बैक टू द क्वेश्चन, कुल मिला के इसकी वैल्यू 4.125 आ गई है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है, टेल मी। अब जब आ गई है तो मुझे टाइप भी बता दो, टर्मिनेटिंग स्टॉप हो गई ना 4.125, 5 पे स्टॉप हो गई ना, रिमाइंडर 0 आ गया ना नीचे, तो कौन सी फॉर्म हो जाएगी इसकी, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म। ये रेकरिंग हटा दो, नॉन हटा दो, द गिवन एक्स नंबर हैज टर्म, लिखो कंक्लूजन। कंक्लूजन लिख लिया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। बच्चे तो ज्यादा एब्सेंट लग रहे हैं आज, अंशिका एंड टेल द अदर्स नेम, नहीं है मुझे लग रहा है सर। पूर्णिमा, हाँ पूर्णिमा भी कल आई थी, पूर्णिमा अंशिका, बस दो जने एब्सेंट है। मान्य नहीं आया, देखो मैं वॉइस में भी कोई ना कोई कम लग रहा है, वो क्यों नहीं आया। एक तो बच्चे ग्रुप में भी नहीं है तो उनको टाइम का भी नहीं पता हो, क्या पता, ये भी हो सकता है। चलो चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
4/1/8 के बाद आ चुके हैं हम फोर्थ क्वेश्चन पे, दैट इज व्हाट, 3/13, 3/13 नोट करो। और 3/13 की अब कोई टेक्निक्स नहीं चलेगी, 3 को 13 से डिवाइड करके ही देखना पड़ेगा। शुरू हो जाओ, डिवाइड करने का काम, मेहनत मजदूरी का काम अपने आप करेंगे आप। 0.23, हाँ आर यू श्योर? ओके, बाकी लोग भी निकालो, पूरे के ऊपर या कुछ के ऊपर? पूरे के ऊपर, ओके फाइन, चलो चेक करो, बाकी सब भी चेक करो, यही आंसर आ जाएगा, मतलब ये पैटर्न रिपीट हो रहा है ना, 2, 3, 0, 7, 6, 9। डन, यही आ रहा है क्या? मैच करो, या कुछ डिफरेंट आ रहा है तो लेट मी नो। यही है सेम, ओके। 0.23079। अब यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले कुछ और चर्चा करनी थोड़ी सी जरूरी है। देखो 0.23079 कितने डिजिट्स बने? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 6 डिजिट का पैटर्न बन रहा है जो रिपीट हो रहा है। आया नहीं? यही आया है, छवि एन आयुषी, यही है तो 6 6 डिजिट का हो रहा है, ठीक है। यानी कि बार के नीचे कितने नंबर हैं इसकी कोई रेंज नहीं है, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 10 10 का पैटर्न भी रिपीट हो सकता है, ठीक है ना। तो हमको कैसे पता चलेगा कि कहाँ तक चलना है? एक आपने भी सवाल पूछा था ना, तो सुनो भाई, कहाँ तक चल के देखना होता है, कहाँ तक चल के देखना होता है भाई? एट लार्जेस्ट नंबर तो बताओ कि सर 5 तक देखना होता है, 10 तक देखना होता है, 6 तक देखना होता है, जो नीचे डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर है ना, क्या है उसमें से एक कम कर दो, तो 12 डिजिट्स मैक्सिमम चेक करना है। उसके अंदर अंदर बार मिल ही जाएगा, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं 12 तक ही मिलेगा, पर 12 के अंदर अंदर मिलेगा, 12 को क्रॉस नहीं कर सकता वो, मतलब 12 डिजिट के बाद तो उसको पैटर्न रिपीट करना ही होगा, कितना भी जिद्दी हो जाए वो। मान लो 6 डिजिट के बाद रिपीट ना करे, 7 के बाद ना करे, 8 के बाद ना करे, लेकिन 12 को क्रॉस नहीं कर सकता, उसके अंदर अंदर ही रहेगा। ओके, जैसे ये 6 पे ही मान गया, ओके ये 6 पे ही मान गया ना। अब आप एक रफली क्वेश्चन नोट कर लो, 1/17 की डेसिमल फॉर्म लिख के आएंगे आप घर से, 1/17 की डेसिमल फॉर्म लिख के आएंगे, कहीं पर भी ऊपर नोट कर लो, 1/17 इसी में नोट कर लो, जैसे 6 तो ये है ही सही, सातवा क्वेश्चन इसी का नोट कर लो, 1/17 ये होमवर्क है, इसकी डेसिमल फॉर्म लिख के आएंगे, ठीक है। डिस्क्लेमर दे देता हूँ, 16 डिजिट रिपीट होंगे, करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, ओके। इसमें कितने डिजिट्स रिपीट होंगे? 16। 16वीं डिजिट के बाद पैटर्न बनना स्टार्ट होगा, 16वीं डिजिट के बाद, ठीक है। तो ये भी इंटरेस्टिंग होगा, करके देखना, कभी करके नहीं देखा होगा आपने 1/17, है ना। तो आपके क्वेश्चन क्या है ना, एग्जाम्पल में है, एग्जाम्पल में है, तो एग्जाम्पल कह लो कैसे भी कह लो। अच्छा नीचे है क्या? ओके ओके चलो, तो फिर तो अब मुझे ही कराना पड़ेगा, बच गए। ओके चलो, आएंगे उस पर भी, फिर भी आपसे कराऊंगा मैं, क्लास में आपसे कराऊंगा सबसे, ठीक है। चलो अभी इसको खत्म करो, पहले इस वाले क्वेश्चन को खत्म करो। तो मितांशी, होपफुली आपके उस सवाल का जवाब आपको अब पूरी तरीके से मिल गया है कि कब तक चेक करूं, कब तक चेक करूं। डिनोमिनेटर देखो और डिनोमिनेटर से एक माइनस करो, वहां तक तो देखना ही है, उससे पहले काम हो जाता है तो आपका लक, नहीं तो आपका कर्म है कि आपको वहां तक तो चेक करना ही है, ये हमारा कर्म है। ओके, कम टू द 5th वन, 2/11 करना जरा, कर दिया क्या किसी ने? मुझे लगा कर दिया होगा यार इतनी देर में, कई बच्चे क्लास में ऐसे भी होते हैं, सर तो दिए जाए भाषण, मैं अगले पे शुरू हो जाता हूँ, तो होते हैं एक आध बच्चे ऐसे। हाँ मैं जैसे सर बोलेंगे ना तो मैं सबसे पहले आंसर दे दूंगा। अब मुझे बताओ ऐसा करने से फायदा है क्या?
नो, अगर आप रेस जीत गए तो आपने तो रेस तो स्टार्ट ही आगे से करी थी, आप साथ में स्टार्ट करो ना सबके रेस, फिर फर्स्ट आके दिखाओ। और उस चक्कर में आपने वो भाषण भी मिस कर दिया जो सर कह रहे हैं, उस पर ध्यान ही नहीं आपका, कुछ इंपॉर्टेंट ही कह रहे होंगे। ओके एनीवेज 0.18, ओके 0.18 तो गलत है, 1 8 बार भी तो बोलो बच्चे, रिपीट भी तो हो रहा है ना। बार बार नहीं बोलोगे तो कबाड़ा हो गया, जो मिलना चाहिए था, जहां 1 नंबर मिलना चाहिए था वहां 0 मिलेगा। एक बार जो है उसकी कीमत तुम क्या जानो बच्चों, ओके 0.18 बार, बार लगाना पड़ेगा ऊपर। ओके दैट मीन्स 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8, इट गोज ऑन रिपीटिंग लाइक दिस। अच्छा आंसर बोलो, उसका टाइप बोलो फिर, रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सटेंशन फॉर्म करो, दो स्टेटमेंट लिख के खत्म कर दो, फिर चलते हैं लास्ट वन, 329/400। ओके लेट्स गो टू द लास्ट वन, सिक्स्थ वन, 329/400। नोट करो, नोट कर लिया सबने 329/400, टेल मी, नोट कर लिया, एवरीवन हैज नोटेड द फ्रैक्शन, कर लिया तो डिवाइड भी करो एंड लेट मी नो द आंसर। 329/400 का आंसर बताओ। आदित्य आपका फॉर्म आ गया क्या, कब जमा कराया था, पहले ही करवा दिया था, अभी लास्ट में मेरे को मैं से मिलके जाना है ना, फीस जमा कराई ना आपने, तो नोट करवा के जाना फॉर्म के अंदर है ना। नितांशी बोलो, 0.8225, दैट्स इट। रिपीट हो रहा है क्या, बाहर लगना है क्या कहीं पे, नहीं स्टॉप हो गया ये, सबने निकाल लिया तो मैं कुछ बात करूं फिर, यही आया। सर बड़ी दिक्कत आई है, 400 की टेबल बोलनी पड़ रही है, लेट्स सी कितने बच्चों ने टेक्निक अप्लाई करी। अच्छा 400 से कौन कौन डिवाइड करा है, जस्ट रेज योर हैंड्स, जस्ट रेज योर हैंड, नो वन इज डिवाइडिंग बाय 400, ईमानदारी से बताओ, मैं चेक करूंगा नहीं तो, एक एक की शीट में 400 से कितने बच्चे डिवाइड कर रहे हैं या कर चुके हैं। वन, ओनली वन, टू, आप किससे डिवाइड कर रहे हो, 400 से कर रहे हो ना तो रेज योर हैंड। थ्री, आप 400 से कर रहे हो, फोर से कर रहे हो, हाँ पीछे से मितानशी मैथ झूठी, 400 से किया है, फोर से किया है, पक्का, हाँ आगम अब बोल रहा है फोर से, हाँ आदित्य 400 से किया है ना, आपकी शक्ल बता रही है, फोर से किया है, आपने किया ही नहीं। यस इधर से रिधि एंड, आपका नाम फिर से बता दो प्लीज, प्रियांशी, रिधि एंड प्रियांशी, फोर से किया। देखो बच्चों इधर स्क्रीन पे देखो, 329/400 को मैं स्मार्ट वर्क करके जल्दी सॉल्व करूंगा, मैं 400 से नहीं डिवाइड करूंगा, मैं क्या करूंगा 329 में 400 को मैं लिख दूंगा 4 × 100, 4 × 100, 400 को 4 × 100 में ब्रेक कर सकते हैं क्या बच्चे, बोलो बोलो महेंद्र, कर सकते हैं ब्रेक, एक बार इसको हमने ब्रेक कर दिया तो अब हम क्या करेंगे, वी विल डू जस्ट दिस मच ऑफ डिविजन पार्ट, ये करो मस्त रहो, और 100 है ना नीचे, 100 के लिए क्या करते हैं, 2 डेसिमल ही तो खिसकाने होते हैं, खिसका देना कितना समय लगेगा उसमें भाई, नीचे 100 होता है तो क्या करते हैं, 2 डेसिमल लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देते हैं, यही तो करते हैं, 1000 होता है तो 3 डेसिमल शिफ्ट कर देते हैं, तो 400 की टेबल नहीं बोलनी पड़ती, 4 की टेबल बोलनी पड़ती, राइट। अब 329 को 4 से डिवाइड करना है जस्ट, सो 329/4, 4 8 जा 32, बचा 9, 4 2 जा 8, बचा 1, 1 के आगे 0 लगा, डेसिमल लगा, 4 2 जा 8, बचा 2 रिमाइंडर, 2 से बना 20, 4 5 जा 20, तो 329/4 का पार्ट तो हो गया, लेकिन सर अभी एक नीचे 100 भी बकाया है, ये आपने केवल 4 से ही डिवाइड किया, अभी 100 नीचे बकाया है,
अब 100 है नीचे बगाया है तो क्या करूं, दो डेसिमल प्लेसेस इसको लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दो, अभी डेसिमल यहां है, यहां आ जाएगा और यहां आ जाएगा, दो डेसिमल प्लेसेस लेफ्ट साइड शिफ्ट करते ही द नंबर विल बी, फाइनल आंसर विल बी 0.82225, 8225, और ये स्टॉप भी हो गया है तो इसमें कोई बार बार नहीं लगेगा, तो टाइप बता दो फिर इसका, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म फुल स्टॉप, लिखो कंक्लूजन, हो गया काम। ओके ये 6 के 6 क्वेश्चंस में एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, पांचों क्वेश्चंस के जो आंसर्स थे वो 1 से छोटे मिले, यस और नो चेक करो, जो आंसर मिला है 1 से छोटा मिला है, लेस देन 1 मिला है, मिला है कि नहीं मिला है, लेस देन 1 क्यों, कुछ प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं ये पांचों के पांचों, क्या प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं ये सारे के सारे, क्या हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, क्या होता है प्रॉपर फ्रैक्शन बच्चे, न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, और आपको मैंने बताई थी कि एक प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू, एक प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू 0 से बड़ी और 1 से छोटी होती है, 0 और 1 के बीच में ही होती है इसकी वैल्यू, तो जितने भी हमने आंसर निकाले 1 2 3 4 5 ये प्रॉपर है, तो प्रॉपर है तो इनका आंसर 0 पॉइंट समथिंग निकल गया है, 0 और 1 के बीच के नंबर्स निकल गए, 0 पॉइंट समथिंग इसमें, 0 पॉइंट समथिंग उसमें, 0 पॉइंट समथिंग, केवल ये इम्प्रॉपर था, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का आंसर 1 से बड़ा होता है, 1 से बड़ा कितना होता है उसकी कोई रेंज नहीं है, बस 1 से बड़ा होता है ये पक्का है, ये चीज पे मतलब गारंटेड है। ओके और यहाँ पे देखो 4 लगा हुआ है ना, तो देखो इसको मैंने जब ब्रेक किया तो ये 4 + 1/8 हो गया, अब ये वापस प्रॉपर फ्रैक्शन है तो प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू वापस 0 पॉइंट समथिंग, 0 पॉइंट समथिंग में 4 जोड़ दिया तो 4 पॉइंट समथिंग, तो इस तरीके से किसी की वैल्यू किस किस के बीच में हम जस्ट फ्रैक्शन को देख के एनालाइज कर सकते हैं, सॉल्व करने की जरूरत। ओके चले अब आगे। ओके अब इन सब की फॉर्म चाहिए मुझे, लेकिन कसम ये है कि डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब आप फॉर्म फॉर्म नहीं चाहिए, फॉर्म का टाइप चाहिए, टर्मिनेटिंग है या रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग है ये आपको बताना है, बट आप डिवाइड करके नहीं देखेंगे, ना कि आपने करके देख लिया, लेकिन लेट्स से कि क्वेश्चन ऐसा आए कि विदाउट डिवाइडिंग आप पता करो, या क्वेश्चन ऐसे आए कि आप तो टाइप बताओ, टाइप बताओ तो मैं डिवाइड करके क्यों देखूं, मैं सीधे ही टाइप बता सकता हूं क्या सर, यस यू कैन, अब सीधे टाइप बताने का तरीका सुनो, लास्ट में एक टेबल लिखवाई थी कि जिसका डिन जब मैं हमने पी वाई क्यू की फॉर्म हम पढ़ रहे हैं, तो जिसका जो क्यू है, जो क्यू है उसके फैक्टर्स अगर 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर n की फॉर्म के हैं तब तो वो टर्मिनेटिंग होगा, और इस फॉर्म के नहीं है तो वो रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग होगा, दो तो ही तो फॉर्म्स है ना पी वाई क्यू की फॉर्म के लिए, अगर 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m की फॉर्म इस शक्ल के अगर उसकी फैक्टर्स हैं तब तो वो टर्मिनेटिंग है, अदरवाइज वो नॉन टर्म, अब चेक करते हैं एक एक को, लेकिन एक चीज याद रखना, इसकी फॉर्म चेक करने से पहले ये मेक श्योर कर लेना कि P और Q दोनों के दोनों को प्राइम्स होने चाहिए, अब मुझे कौन बताएगा कि को प्राइम्स का मतलब क्या होता है, P और Q को प्राइम्स होने चाहिए, अगर नहीं है तो बनाओ उसको को प्राइम्स, बन गए उसके बाद क्यू की फॉर्म देखो, मतलब जो क्यू की फॉर्म देखेंगे ना आपको किस फॉर्म की है या नहीं है, उससे पहले ही आपको इतना को प्राइम बना देना है, बने बनाए मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो बनाओ, अब को प्राइम का मतलब क्या होता है, No one? अच्छा गेस करो सर ये होता होगा, सुना तो नहीं पहले, वैसे सुना होगा आपने, ध्यान नहीं दिया होगा, हाँ बोलो, जो नंबर प्राइम हो वो को प्राइम, जो प्राइम नहीं होते वो तो कंपोजिट होते हैं, बस 1 को हटा दो, दो प्राइम नंबर्स, अब इसने थोड़ा सा दिमाग लगाया और अच्छा दिमाग लगाया, लेकिन बेटा वो भी आंसर तो नहीं है, लेकिन आपने फिर भी आप काफी हद तक पहुंच गए, इसने क्या कहा ऊपर वाला भी प्राइम नीचे वाला भी प्राइम तो मिलके को प्राइम को का मतलब क्या होता है साथ में, तो वो प्राइम ये प्राइम हम दोनों को प्राइम लाइक दिस, ऐसा इसने सोचा, बट इसने काफी हद तक सही बात करी है, देखो जैसे 3/13 देखो ये को प्राइम है, 3 और 13 दोनों प्राइम है, ठीक है 2/11 भी को प्राइम है, 2 भी प्राइम है, 11 भी प्राइम है, तो ये सब को प्राइम्स हैं, लेकिन फिर भी को प्राइम की डेफिनेशन में कुछ तो छूट रहा है, हाँ को प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट होना चाहिए, तो मुझे बताओ 3 कौन से प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है, डिनोमिनेटर में 13 कौन से प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है, नहीं है, जबकि ये दोनों को प्राइम्स हैं, चलो सरल सी भाषा में बताऊं, सरल सी भाषा में बता दूं, स्क्रीन पे देखो सब लोग,
5/10, इसमें मैं इसको 5 से काट सकता हूं, काटो, कट गया। कटने से पहले 5 और 10 को प्राइम्स नहीं थे, कटने के बाद 1 और 2 को प्राइम्स हैं, यानी ऐसे नंबर्स जिनको फर्दर काटा नहीं जा सकता हो, वो लास्ट स्टेज पे आ चुके हों, उनको बोलते हैं को प्राइम्स। क्या बोलते हैं? और मैथमेटिकल डेफिनेशन दें तो ऐसे नंबर्स जिनका कोई कॉमन फैक्टर ना हो, 1 और 2, अदर देन 1, 1 तो सबका रहेगा ही रहेगा, अदर देन 1 किसी का कोई कॉमन फैक्टर ना हो तो वो होते हैं को प्राइम्स। ये हो गई मैथमेटिकल डेफिनेशन। इसमें नहीं समझ में आया, सरल भाषा में समझो, इनको काट नहीं सकते, 1/2 को क्या काटेंगे। ओके, तो यानी कि अगर वो को प्राइम्स नहीं है यानी वो कट सकते हैं, वो को प्राइम्स नहीं है यानी वो कट सकते हैं, तो पहले काट दो, कटने के बाद वो को प्राइम्स बन जाए, उसके बाद क्यू की फॉर्म चेक कर लो, करना स्टार्ट करें। अब ये पार्ट हमारे कोर्स का नहीं है, हम एक्स्ट्रा सीख रहे हैं, तो आप चाहो तो नोट ना करो तो भी चलेगा। देखो जैसे पहला क्वेश्चन है 36/100, तो इस समय 36 और 100 काट कट सकते हैं क्या? कट सकते हैं ना, तो ये को प्राइम्स नहीं है, अभी इनको काट के को प्राइम्स बना दो। सो 36 और 100 को किससे काटूं? 4 से कट जाएगा, बोलो, 4 9 जा 36, और 100 से काटेंगे तो 25 टाइम्स, तो 9/25। अब ये 9 और 25 को प्राइम से इसके ज्यादा ये डिवाइड नहीं हो सकते। अब आप क्यू को पकड़ लो, इस फॉर्म में क्यू दिखाई दे रहा है आपको, क्या दिखाई दे रहा है? 25। इसके कर दो फैक्टर्स, करना जरा 5 का स्क्वायर। अब ये जो है 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जहां पे n और m, पढ़ो आपने नोट्स में लिखा है, होल नंबर्स होने चाहिए। जहां पे n और m क्या होने चाहिए? होल नंबर्स होने चाहिए। आप कहोगे सर 5 का स्क्वायर ही मिला, 2 तो मिला ही नहीं, ये लो मैं 2 पैदा कर देता हूँ, 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 1 होती है। अब आप चेक करो, 2 और 0 दोनों होल नंबर्स हैं, वहां पे n और m क्या होने चाहिए? होल नंबर्स होने चाहिए। सो ये इसकी फॉर्म का है ना, दैट मीन्स इसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म बनेगी, और बनी भी थी, चेक कर लो, मैंने डिवाइड नहीं करके देखा, ऐसे ही बता दिया, समझ आया? सेकंड को चेक करें। ओके, सेकंड में 1/11 ऑलरेडी को प्राइम फॉर्म में, इससे ज्यादा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, तो बस जो क्यू है उसका डिनोमिनेटर है उसका फॉर्म बताओ क्या बनेगी, 11 की पावर 1, यही इसके फैक्टर्स बनेंगे। तो 11 को मैं 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m की फॉर्म का नहीं लिख पाया ना, चाहके भी, ज्यादा से ज्यादा आप जबरदस्ती ऐड करोगे तो 2 की पावर 0 ऐड हो जाएगी, 5 की पावर भी 0 ऐड हो जाएगी, लेकिन ये फॉर्म अभी भी उसकी शक्ल की नहीं है ना, 11 एक्स्ट्रा आ रहा है ना। सरल सी भाषा में बात करूं, 2 और 5 जब तक है तब तक तो ठीक है, 2 है ठीक है, 5 है ठीक है, दोनों है तब तक ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा कुछ नहीं होना चाहिए, एक्स्ट्रा हो जाए तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म बननी ही बननी है, क्योंकि 2 और 5 मिलकर ही डिजिट 0 बनाते हैं, 2 5 या 10, और डिजिट 0 बनता है तभी स्टॉप होती है वो कहानी उसकी, डिजिट 0 नहीं बनी तो चलती जाती है। समझ गए क्या क्या कहना चाह रहा हूं मैं? ठीक है, सो 11 आ गया नॉन टर्मिनेटिंग। अब आप जल्दी जल्दी बताते जाओ, 8 आ गया नीचे, 8 के फैक्टर्स करना जरा, मैंने क्या कहा था, 2 आ जाए 5 आ जाए कोई टेंशन की बात नहीं है, तो इसमें क्या बनेगा? टर्मिनेटिंग। ठीक है, 13 आ गया एक्स्ट्रा आ गया नॉन टर्मिनेटिंग, देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, 11 आ गया एक्स्ट्रा आ गया नॉन टर्मिनेटिंग, 400 आ गया सर, तो 400 को फैक्टराइज करना पड़ेगा, तो 400 को आप 4 × 100 लिख सकते हैं, तो 4 के फैक्टर्स होते हैं 2 स्क्वायर, और 100 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 2 स्क्वायर × 4 स्क्वायर, सही नहीं, 2 स्क्वायर × 5 स्क्वायर, यही होते हैं 4 × 2500 होता है, करके देख लेना, वो तो कर सकते हो आप, मर्ज कर दो, 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर, तो 2 की पावर तो 4 हो गई, और 5 स्क्वायर, तो ये लो साहब, 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं है इसमें, तो ये भी क्या बनेगा? टर्मिनेटिंग बनेगा। ठीक है, तो मितांशी अब तो आपको सवाल का आंसर आपको पूरा ही मिल गया होगा, कि मैं कहाँ तक चेक करूं, सबसे पहले आप यही चेक कर लो कि टर्मिनेट होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा, कैसे? डिनोमिनेटर देखकर। आपने मन में तो सोच लिया कि ये टर्मिनेट होगा या नहीं होगा, सोच लिया ना, अब आपके लिए काम आसान हो गया, क्योंकि आपको पता ही ये स्टॉप होगा या नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है? ठीक है ना, एक जना डिवाइड करके देख रहा है फिर टाइप बता रहा है, और एक जना जो है बिना डिवाइड करे टाइप बता रहा है, तो दोनों की स्पीड में, कैलकुलेशन में, एक्यूरेसी में बहुत रात दिन का फर्क रहेगा रहेगा। चलो चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइनली, इस क्वेश्चन को हमने तोड़ लिया, निचोड़ लिया ढंग से। क्वेश्चन नंबर 2 देखो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 भी एक अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि ये एग्जाम मटेरियल क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, एनालिटिकल क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, आपको काफी कुछ सिखाएगा ये क्वेश्चन। यू नो दैट, ये कह रहा है आप जानते हो कि 1/7 की डेसिमल फॉर्म ये होती है, नहीं जानते हो तो करके देख लेना, यही होती है, वो कह रहा है तो माननी पड़ेगी बात। ओके, कैन यू प्रिडिक्ट, प्रिडिक्ट करके बताओ, प्रिडिक्ट करने का मतलब ये होता है कि मेहनत मत करो, केवल देख के बता दो, प्रिडिक्ट
प्रिडिक्शन तो यही होती है ना, गेस करके बताओ कि डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म 2/7 की, 3/7 की, 4/7 की, 5/7 की, 6/7 की क्या होगी, सोच के बताओ। पर आपको कसम है विदाउट एक्चुअली लॉइंग द, अरे लॉन्ग डिवीजन आप 2 को 7 से डिवाइड करके देख रहे हो तो क्या ही करके करके दिखा दिया फिर आपने, तो कोई भी कर देता। फिर आप 9th क्लास के स्टूडेंट हो, इस बात की का प्रूफ भी तो दो, यानी आप कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज जानते हो रियल नंबर्स के बारे में। सो आपको 1/7 की फॉर्म से 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 की फॉर्म बनानी है। मैं 3 डिवाइड नहीं कर सकते, कैसे बनाऊं, कैसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं? नो, अगर सब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा उसको तो भी मैंने 1/7 तो करके देखा ना क्या। अगर मैं इसको 2/7 को लिख दूं, 2 into 1/7 ऐसे कह रहे हो आप, 2 into 1/7, फिर आपने क्या करा, 2 into 1/7 की फॉर्म जो वहां पे दे रखी वो लिख दी, क्या लिखी, 1, 4, 2, 8, 5, 7। ओके, अब जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर आएगा ना, जो आंसर वो एक्चुअली 2/7 की फॉर्म नहीं होगी। पता है क्यों नहीं होगी? क्योंकि 1/7 का आंसर क्या है, पढ़ के बताना मुझे, बार। तो इसके ऊपर बार भी तो है, अब बार वाले नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं आप बता दो मुझे। मैं 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं, 7 से करूं या आगे और भी तो रिपीट हो रहे हैं नंबर, स्टार्ट कहां से करूं? अच्छा, उसको पहले किसमें कन्वर्ट, उसको पी बाई क्यू में कन्वर्ट करूं? बोलो मैथ्री क्या बोलना चाह रहे हो, मुझे ये मल्टीप्लीकेशन करके बताओ। 0.142857 यही है ना नंबर, के ऊपर बार मल्टीप्लाइड बाय 2 करके बताओ कैसे करते हैं। मैं पहले स्टार्ट किससे करूं, उसको 2 को 7 से मल्टीप्लाई करूं? क्यों, 7 के बाद तो वापस यही नंबर है ना, 1, 4, 2, 8, 5, 7। कोई ये भी कह सकता है कि सर 1 से करो, फिर उसके बाद वापस वही नंबर है, तो शुरू कहां से करूं? गलत, बिल्कुल गलत। बार वाले नंबर में से मतलब आपने हटा दिया बार, आपने मल्टीप्लाई कर दिया और फिर वापस लगा दिया, कोई टोपी थोड़ ना कि हटा के पहले काम कर लो वापस लगा दो। नो, नॉट एट ऑल। उस नंबर के आप करीब पहुंच जाओगे पर एग्जैक्ट आंसर नहीं है वो, उस नंबर के आप करीब तो पहुंच जाओगे, उससे मिलता जुलता आंसर आप ले आओगे, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले आओगे, बट एग्जैक्ट वैल्यू टोपी हटा के काम करने से नहीं मिलेगी। ठीक है, ओके, अब करें क्या, ये सवाल है ना। तो देखो हम क्या करेंगे, 1/7 की डेसिमल फॉर्म को एनालाइज करेंगे। तो शुरू करूं मैं एनालिसिस पार्ट, सब लोग यहाँ पे देखो, 1/7, सब लोग मेरा साथ देंगे यहाँ पे। 1/7 से कट सकता है क्या? नहीं, डेसिमल लगा दूं, 0 पॉइंट लिख दूं यहाँ पे बोलो, और यहाँ पे 0 लगा दूं, कितनी बार कटेगा टेल मी, 7 बन जा 7, रिमाइंडर बोल दो 3, यस वेरी गुड। वापस 0 लगाना पड़ेगा बोलो, वापस 0 लगा दिया, क्या बन गया 30, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, टेल मी द रिमाइंडर 2। ओके, अब क्या करना पड़ेगा, वापस 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है करो, कितनी बार जाएगा ये, 7 2 जा 14, करो माइनस, 20 माइनस 14 इज 6, वापस लगाना पड़ेगा 0, 60 बन गया, 60 से कितनी बार जाएगा 7 8 जा 7 8 जा 56। सर क्या बच्चों वाला काम करा रहे हो, अभी आपको मैजिक दिखाता हूँ। 60 में से 56 गया तो क्या बचा, ओ लगाओ 0, क्या बन गया 40, कब कितनी बार जाएगा, 7 5 जा 35, बचा रिमाइंडर 5, लगाओ 0, क्या बन गया 50, 7 7 जा 49, रिमाइंडर क्या बचा 1, रिमाइंडर 1 से ही मैंने क्वेश्चन को स्टार्ट किया था, चेक करो, और 1 पे ही वापस आ गए हम, दैट मीन्स यही सीरीज अब वापस चलने वाली है, दैट मीन्स यही पैटर्न रिपीट होना है। चलो ये तो सर डिवीजन उसने ही दे रखा है ना, आप क्या बता रहे हो, ये सबके मन में घाला था। चलो ठीक है, एनीवेज तो ये इसका आंसर हो गया, 1/7 का आंसर हो गया, 1/7 का आंसर हो गया 0.142857। अब सवाल क्या है, दोबारा डिवाइड नहीं कर सकते आप,
2x7 के लिए अलग, 3x7 के लिए अलग मत करो, और बिना डिवाइड करे बता दो कि क्या है 2x7, क्या है 3x7, क्या है 4x7, यही सवाल है। ओके सो 2x7 बताने जा रहे हैं हम, चेक करना। 2x7, मुझे एक चीज बताओ, जब मैं 2 को 7 से डिवाइड कर रहा हूंगा, उससे पहले एक काम करते हैं, चलो उससे पहले काम करते, यहां पे आप रिमाइंडर और क्वेश्चन का पैटर्न पकड़ो। जब 1 को रिमाइंडर था तो उसकी रेफरेंस में क्वेश्चन क्या मिला था, 1। फिर दूसरा रिमाइंडर क्या था, मैंने ब्लैक ब्लैक कर दिए सारे रिमाइंडर्स, मैंने ब्लैक कर दिए, चेक करो जान करके, ठीक है ना। तो जब 3 रिमाइंडर था तो उसके रेफरेंस में क्वेश्चन क्या आया था, फिर जब 2 था तब 2, फिर जब 6 था तब, फिर जब 4 था तब, फिर जब 5 था तब, और फिर वापस 1 आ गया, तो अब वापस रिमाइंडर क्वेश्चन क्या बनेगा, 1 बनेगा, क्योंकि 1 किसी में 1 बनता है। मैंने क्या करा, क्वेश्चन एंड रिमाइंडर पैटर्न को पहचान लिया, पहचान लिया। मैं लिख देता हूं यहां पे रिमाइंडर, और रिमाइंडर से यहाँ पे क्वेश्चन, क्या किससे क्या मिल रहा है। ओके तो बताओ किससे क्या मिला, एक बार नोट कर लेते हैं। 1 से क्या मिला मुझे, 1 मिला। फिर 3 से क्या मिला मुझे, जब रिमाइंडर 3 मिल था तो आगे अगला वाला क्वेश्चन 4 मिला। फिर जब 2 था तब क्या मिला, 2 से 2 ही मिला। ओके अच्छा, हमेशा 1 से 1 ही मिलता है क्या सर? नहीं, 1/7 में मिल रहा है, कुछ अलग फ्रैक्शन है तो 1 से कुछ और भी मिल सकता है। ओके ना, ये केवल इसका पैटर्न है। ओके आगे चलो, 6 से क्या मिला बोलो, 8। 4 से क्या मिला बोलो, 5। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 5 से क्या मिला बोलो, 7। आपने एक चीज नोटिस करी, कितने पैटर्न पे ये पैटर्न रिपीट हो रहा है, कितने डिजिट्स पे, और क्वेश्चन डिविजर क्या था, 7 से 1 कम करो, 6। मैंने कहा था ना, जो डिविजर है उससे 1 कम कर दो, उसके बाद तो रिपीट होना ही पड़ेगा उसको, तो ये 6 डिजिट पे रिपीट हो रहा है, क्योंकि डिविजर क्या था, 7। 6 को तो ये क्रॉस नहीं कर सकता कुछ भी हो जाए, ठीक है, 6 पर रिपीट हो ही गया ना। ओके अब आपको क्या चाहिए साहब, 2x7 क्या चाहिए आपको, तो टेल मी वन थिंग, जब मैं 2x7 की वैल्यू निकाल रहा हूंगा तो सबसे पहला रिमाइंडर कौन मिलेगा, 2। 1/7 में पहला रिमाइंडर क्या मिला, 1, तो 2/7 में पहला रिमाइंडर क्या मिलेगा, 2। दिख रहा है यहाँ पे कहीं रिमाइंडर की सीरीज में, ये रहा दिख रहा है, तो नंबर यहां से स्टार्ट कर दो, 0.285714, खत्म। समझ आया, आप 2 रिमाइंडर से चालू कर दो, आंसर क्या हो जाएगा, 0.2857। रिपीट तो सारे डिजिट्स होंगे, लेकिन पहला डिजिट 2 रिपीट होगा, क्योंकि पहला रिमाइंडर 2 है 2x7 में, समझ गए। सो द आंसर इज 0.2857714 के ऊपर बार, बार तो सब में लगेगा क्योंकि नीचे 7 बैठा है, 2 और 5 के अलावा नीचे कोई भी बैठेगा तो बार तो लगेगा ही लगेगा। समझ आ गया क्या, बोलो। ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट 3x7। मान्य आप बहुत ज्यादा लेट हो गए, आप ग्रुप में नहीं हो तो आपको पूछना चाहिए था, चलो आगे आओ जल्दी आओ फटाफट, बाकी आओ। हाँ वेल टॉक अबाउट, ठीक है, एक बार 3/7 करो। अब रिमाइंडर 3 दिखाई दे रहा है इसमें कहीं, रिमाइंडर 3 दिखाई दे रहा है, टेल मी इस रिमाइंडर क्वेश्चन सीरीज में रिमाइंडर 3 दिखाई दे रहा है, ये रहा, इसकी सीध में क्वेश्चन कौन है, तो 4 से शुरू हो जाओ, 4, 2, 8, 5, 7 जो बच गया उसको ऊपर ले आओ, 0.4285711 और सबके ऊपर बार। अब सारे बच्चे 4/7, 5/7, 6/7 अपने आप करेंगे, शुरू हो जाओ। पहले तो इतना नोट कर लो और बचा हुआ पार्ट खत्म करो, पहले तो ये सब नोट कर लो और फिर बचा हुआ पार्ट खत्म करो। यहाँ पे आप लिख देना, एनालाइजिंग द रिमाइंडर क्वेश्चन पैटर्न, एनालाइजिंग द रिमाइंडर क्वेश्चन पैटर्न,
द रिमाइंडर क्वोशेंट पैटर्न। कॉमा वी हैव और फिर रिमाइंडर क्वेश्चन पैटर्न को आप एनालाइज करके ऐसे बताएं, टेबल बना। अब ये मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैंने राइट साइड पे शिफ्ट किया। आपको नीचे 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 करते जाना है अपनी नोटबुक में, पहले डिवीजन, उसके बाद उसके नीचे रिमाइंडर क्वेश्चन पैटर्न, और उसके नीचे फिर ये 2x7, 3x7, 4x7। देखो मैत्री और मितांशी मल्टीप्लाई करने से हम, मैंने क्या कहा था, हम करीब करीब तो उस तक पहुंच ही जाएंगे, और करीब करीब मोस्ट ऑफ द केसेस में, चलो ये नंबर छोटा था 1/7, 7 से ही डिवीजन हो रहा है ना, तो डिफरेंस ज्यादा क्रिएट नहीं होगा। लेकिन कल को ये 7 की जगह 79 है, 77 है, 76 है, तो बड़ा नंबर है ना, तो डिफरेंस ज्यादा क्रिएट होगा, तो आप एग्जैक्ट नहीं पहुंच पाएंगे, एक दो डिजिट का डिफरेंस रह जाएगा। जैसे मान लो आंसर आना 0.14834 के ऊपर बार, तो आपका आंसर आ सकता है 0.14831 के ऊपर बार। ठीक है, एग्जैक्ट पहुंचने का तो यही तरीका। ओके ठीक है, एंड प्लस मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ रहा है आपको उस केस में, इसमें मल्टीप्लाई भी नहीं करना पड़ रहा। तो 1/7 को डिवाइड एक बार तो करना पड़ेगा। अब देखो उधर हिंट देखो आप, स्टडी द रिमाइंडर्स वाइल फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ 1/7 केयरफुली। 1/7 की जब आप वैल्यू निकाल रहे हो तो आप रिमाइंडर को स्टडी करो। ओके तो उसका हिंट भी यही है, और एनसीईआरटी ने रेफर भी यही किया कि यही काम करना है। ओके ना, ठीक है। चलो 4/7, 5/7, 6/7 निकाल पाया क्या कोई? निकल गया बताओ, 4/7 बताओ। यस प्रियांशी, 4/7 बताओ। 4 की सीट में 5 है, तो 5 से शुरू कर देते हैं हम सीरीज को। 5, 7, 1, 4, 2, 8। बार लगाना मत भूल जाना, जल्दीबाजी में बार नहीं लगाया तो सारा कबाड़ा हो गया। यस 5/7 बताओ। छवि, छवि 5/7 क्या होगा? 5 की सीट में रिमाइंडर, 5 की सीट में क्वेश्चन 7 है, सो वी विल स्टार्ट विद 7। हमारा क्या जाता है 0.714285 बार, एंड 6/7 कौन बताएगा? आप बताओगे क्या? आपका नाम क्या? भानु, भानु आप बताओ। 6 की सीट में 8 से शुरू करना है, तो 8 से शुरू कर देते हैं, 0.857142 के ऊपर बार। ठीक है, मान्य, समझ में आया आपको? ठीक है, जो रिमाइंडर हमको दिखाई दे रहा है उसकी सीट का क्वेश्चन ले लो। जैसे 6/7 करना है तो 8 से शुरू हो जाओ, 8, 5, 7, 1, 4, 2। अगर आपको 4/7 की वैल्यू चाहिए तो 5 से शुरू करो, 5, 7, 1, 4, 2, 8। ये हमने क्या करा है, रिमाइंडर क्वेश्चन पैटर्न निकाल दिया। जब रिमाइंडर 1 आता है तो क्वेश्चन 1 आता है, जब रिमाइंडर 3 आता है तो क्वेश्चन 4 आता है, जब रिमाइंडर 2 आता है तो क्वेश्चन 2 आता है, लाइक दिस। ओके अब सपोज करो हमको 1/17 की वैल्यू देकर 2/17, 3/17, 4/17, 5/17 पूछ ले, तो उस केस में ये वाला मेथड काफी काम करेगा रेदर देन मल्टीप्लाई। ठीक है ना, मल्टीप्लाई करने की बजाय ये वाला पैटर्न काफी काम करेगा ना। ठीक है ओके, सो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे ओवर हो जाता है बच्चे, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कर लिया है सबने? ठीक है, वैसे टाइम हो गया है बट आज हम फायदा उठाएंगे संडे का, थोड़ा सा एक्स्ट्रा सीखेंगे, और फिर मान्य अभी अभी आया, उसको लगेगा आया हूँ और सर ने भेज दिया, कुछ तो पढ़ाया इसको भी। ठीक है ओके, चलो कर दूं डिलीट, डिलीट कर दूं। ओके लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन कर लिए हमने? 2 ही किए हैं, और 2 गई। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ये आ गया वो क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क करो स्टार मार्क। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। सर पी बाई क्यू यानी फ्रैक्शन, पी बाई क्यू मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन फॉर्म। अब फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना तो बहुत अच्छे से आता है मुझे, बार वाले नंबर है बच्चे, देख लो ध्यान से, बार वाले नंबर को हम कैसे फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करें, मुद्दा ये है।
तो इसके लिए एक तो है प्रॉपर मेथड और एक है शॉर्ट ट्रिक। प्रॉपर मेथड पहले बताऊंगा, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक बताती तो प्रॉपर मेथड पे दिमाग ही नहीं लगेगा तुम्हारा। आपको अगर यही बढ़िया है, क्योंकि एग्जाम में प्रॉपर मेथड करके आओगे तो ही आपके जो टीचर्स हैं वो मार्क्स देंगे। एंड मोर ओवर हमको देखो सब कुछ आना चाहिए, एज ए स्टूडेंट वी शुड नो ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, ओके। सो पहले प्रॉपर मेथड, पहले हमेशा दुख देने वाला काम देना चाहिए, फिर आखिरी में खुशी देने वाला काम देना चाहिए। ठीक है ना, चलो। सो पहले दुख ले लेते हैं, फिर बाद में खुशी लेंगे लास्ट में। ओके, 0.6 के ऊपर बार को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें? पहले तो सवाल यह है कि क्या इसकी पी बाई क्यू की फॉर्म है भी या नहीं है? है क्या इसकी पी बाई क्यू की फॉर्म? है बोलवा देते हैं, है इसकी पी बाई क्यू की फॉर्म? गारंटेड कह सकते हो क्या? मतलब कैसे लग रहा है कि है? ऐसे मत बोलना कि सर सवाल ही पूछा है उसने फॉर्म तो फिर होगा, ये ऐसे मत बताना। और कुछ अगर माइंड में तो बताओ। छवि इसकी पी बाई क्यू की फॉर्म है क्या? गारंटेड, या हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है? सॉरी मुस्कान, छवि बताओ। हाँ हाँ ये बढ़िया है, छवि तो उधर है, उनसे पूछो, मैं नहीं हूं आप ही बता दो। हाँ मुस्कान बताएगी, मुस्कान बताओ इसकी पी बाई क्यू की फॉर्म है क्या? है छवि? है नहीं है तो फिर पूछ क्यों रहा है वो? हो सकती है, गारंटेड नहीं है। आयुषी बताओ गारंटेड है क्या? क्यों है गारंटेड? सारे बच्चे इधर देखो, जिसके ऊपर बार लग जाता है वो तीनों में से कौन सी टाइप का डेसिमल फॉर्म का नंबर होता है? और वो रैशनल होता है या इरेशनल? और रैशनल की पी बाई क्यू की फॉर्म होती है गारंटेड है इसकी पी बाई क्यू की फॉर्म। जो टर्मिनेटिंग है उसकी गारंटेड पी बाई क्यू की फॉर्म है, वो रैशनल है। जो रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग है उसकी भी गारंटेड पी बाई क्यू की फॉर्म है, वो भी रैशनल है। जो तीसरी कैटेगरी का आ जाए, कौन सा? नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म, उसकी कोई पी बाई क्यू की फॉर्म नहीं है क्योंकि वो इरेशनल नंबर है। समझ गए? पी बाई क्यू की फॉर्म हर रैशनल नंबर की होगी, ओके ना? तो पहले तो खुद को यकीन होना चाहिए कि इसकी पी बाई क्यू की फॉर्म है। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है, इधर सुनो आदित्य, क्या हुआ जब हम इसकी पी बाई क्यू की फॉर्म निकाल रहे हैं और लेट से मुझसे नहीं निकली या परेशानी आ रही है निकलने में, तो हम क्या कंक्लूजन देते हैं? है ही नहीं शायद, इसलिए तो नहीं निकल रही मुझसे। तो हम डाउट कर लेते हैं खुद पे कि क्या पता इसकी पी बाई क्यू की फॉर्म है भी सही, क्या मुझसे क्यों नहीं निकल रही। तो पहले तो अपने आप को यकीन दिलाओ, बार वाले जितने भी नंबर्स हैं सबकी पी बाई क्यू की फॉर्म है। नहीं निकल रही तो मेरी कमी की वजह से नहीं निकल रही, इसका मतलब ये नहीं कि तो वही बात हो गई, मैंने अमेरिका देखा नहीं तो शायद ही नहीं, आपने नहीं देखा तो क्या है, तो सही ना, कहीं तो है। ओके चलो देखो, 0.6 के ऊपर बार को हम कैसे पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे? क्वेश्चन नोट कर लिया सबने? अब सुनो, हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस ध्यान से सुनना, स्टेप्स नोट करो। सबसे पहले हम गिवन नंबर को एक्स मान लेंगे। क्या मान लेंगे? एक्स। लेट एक्स बी 0.6, सॉरी 0.6 बार। मान लिया हमने इसको एक्स, मान लिया सबने, मान लिया। अब अपन क्या करेंगे, बोथ साइड्स। अच्छा इसको थोड़ा सा कर लो जितना करना है, फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर मुझे डिस्टर्बेंस नहीं की। हाँ कर लो कर लो, जिसको करना है कर लो, ऑल डन। कुछ गिराना पटकना है उठाना है देख लो, अब इधर ध्यान दो। हो गया सबका? हाँ कर ले आराम से, कर और किसी को करना है तो भी कर लो। ओके अब देखो यहाँ पे, दैट इज, अब मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ, एक्स को एक्स लिख देता हूँ, इक्वल टू 0.6 के ऊपर बार को मैं एक्सपेंड कैसे करूंगा, 0.666 इस तरीके से, डॉट डॉट डॉट। सर कितनी बार रिपीट करना है? अपनी शर्तानुसार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, कम से कम इतना बार रिपीट कर देना कि थोड़ा बड़ा सा नंबर दिखाई दे, है ना? कोई कहे मैं 10 बार करूंगा, तेरी मर्जी, टाइम तेरा वेस्ट हो रहा है। ठीक है, एग्जाम में टाइम तेरे को और उसको उस बराबर मिलेगा, 10 बार करेगा तो भी वही मार्क्स हैं। ओके सो रिपीट करके डॉट 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 लगा दो। अब क्या करूं, अब मैं एक स्टेप लिखता हूं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। पहले आप पूरे ध्यान से समझ लो, कुछ मत लिखो, केवल यहाँ पे ध्यान से समझो। अब जैसे ही मैंने ये लिखा मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10, तो कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो ध्यान नहीं दे रहे कि ठीक है 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर 10 से ही क्यों, 10 से ही क्यों? अब कितने बच्चे ऐसे सोचे कि 10 से ही क्यों, आया सवाल मन में? तो जिनके मन में ये सवाल आया कि 10 से ही क्यों, वो कुछ एक एक कदम एक्स्ट्रा सोच रहे हैं, और एक कदम एक्स्ट्रा सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ 10 से ही क्यों, आंसर मिला उस चीज का कि 10 से ही क्यों, यस 10 से ही क्यों, मैथिली 10 से ही क्यों, क्योंकि बार एक ही डिजिट पर है इसलिए 10। अगर बार दो डिजिट पे होता तो 100
बार 3 डिजिट पे होता तो 1000। अब इसके साथ बाद में एक और चीज एड ऑन करूंगा, सुनना ध्यान से। बार एक ही डिजिट पर है ना तो मिनिमम एक जीरो चाहिए, यानी कि इसमें 100,000 से करने से भी आंसर आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10 करने से भी आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 100 करने से भी आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड 1000 करने से भी आंसर आ जाएगा, 10,000 करने से भी आंसर आ जाएगा। एक डिजिट पे बार है तो मिनिमम एक जीरो चाहिए, ज्यादा कितने भी लगाओ आपकी मर्जी। मान लो मिनिमम 2 डिजिट पे बार है तो अब मिनिमम 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप चाहो बड़े से करना चाहो 1000 10,000 से कर सकते हो, लेकिन 100 से कम नहीं करना। ऐसे नहीं कि 10 से ही कर दिया, जितने नंबर्स के ऊपर बार है मिनिमम उतने जीरो होने चाहिए, ऐसे नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है। ये चीज सबको समझ में आ गई, क्योंकि अगले क्वेश्चन में देखो, अगले क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन जो है 0.47 के ऊपर बार, तो एक ही डिजिट के ऊपर बार है तो इसमें मिनिमम 10 से मल्टीप्लाई करने से काम चल जाएगा ना। लेकिन कई बच्चे 100 से करते हैं तो आंसर उनका भी आ रहा है, क्योंकि वो 10 मिनिमम क्राइटेरिया है। ज्यादा तो आप कितना भी बढ़ा लो, 100 के 1000 से भी कर लो। ओके ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स भाई, अभी तो 10 ही कर देते हैं मिनिमम। ठीक है, जैसे मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे बताना मुझे क्या मिला। सबको मल्टीप्लाई करना आता है? ओके सो मुझे बताना एक्स को 10 से मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा। यस वेरी गुड। और उस नंबर को, वो बिखरे हुए नंबर को, जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो जब भी मैं डेसिमल नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो डेसिमल राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। 100 से करूंगा तो 2 डिजिट राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, 1000 से करूंगा तो 3 डिजिट राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। जब डिवाइड करते हैं तो डेसिमल लेफ्ट साइड जाता है, जैसे अभी मैंने आपको करके बताया 36/100, तो 100 से डिवाइड कर रहा हूं ना तो डेसिमल लेफ्ट साइड शिफ्ट। गलत। फर्स्ट को सेकंड में से माइनस कर रहे हैं, क्या लिखेंगे? सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन वन फ्रॉम इक्वेशन टू वी गेट। अब सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, इक्वेशन को इक्वेशन से कैसे माइनस करते हैं? एलएचएस पार्ट में से एलएचएस पार्ट को घटाओ, आरएचएस पार्ट में से आरएचएस पार्ट को घटाओ। सो 10x में से 1x गया, कितने एक्स बचे? और जब इस नंबर में से इस नंबर को घटाएंगे तो पहले तो आप बारात से बारात खत्म करो। अब 6 माइनस 0 क्या हुआ? 6।
तो अब जाके इस बारात से छुटकारा मिला, अब एक्स की वैल्यू निकाल लो, हो गया काम। अब आपने अगर पैटर्न सेम पोजीशन पे नहीं रखा होता तो ये बारात से बारात नहीं कट पाती ना, समझ गए क्यों मैं इसको कह रहा था पैटर्न को सेम रखो, समझ गए क्या मोनिका? समझ गए। तो 9x की वैल्यू क्या आ गई? 6। तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी? 9। इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड, तो 6/9 आंसर आ चुका है, लेकिन अभी ये को प्राइम नहीं है क्योंकि ये कट सकता है, इसको को प्राइम फॉर्म में कन्वर्ट करो। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, फाइनल आंसर इज 2/3। अब आप 2 को 3 से डिवाइड करके देख लो, आपको 0.666666 मिलता चला जाएगा। सो ये इसकी फाइनल जो है पी वाई क्यू की, कोई कहे सर ये तो एक्स की है, तो एक्स क्या था? एक्स भी तो यही था, तो ये भी कहता है सर ये तो एक्स की फॉर्म मिली है, तो एक्स को मैंने वही तो माना था गिवन नंबर, तो मैं एक्स की जगह गिवन नंबर लिख सकता हूँ ना 0.6 के ऊपर बार। चलो लिखी दो फाइनली, आप इसको ऐसे लिख देंगे, हेंस हेंस एक्स को मैंने माना था 0.6 के ऊपर बार और उसकी वैल्यू मैंने निकाल दी 2/3। इस तरीके से कर, अब लिखो समझ में आया? ये मेथड आता था किसी को पहले? आता था स्कूल में, करवा दिया होगा, इसी साल करवाया। शॉर्ट ट्रिक भी करवाइए कोई। हो गया, चलो लेट्स टेक द सेकंड वन। हो गया हो गया हो गया, ओके लेट्स टेक द सेकंड वन। सेकंड क्या है? सेकंड में वही एक्स को ही मानना है आपको, क्या है सेकंड क्वेश्चन बोलो? 0.04 और केवल 7 पे बार है, तो कितने डिजिट्स के ऊपर बार है? चलो पहले तो उसको खोल के तो रखो, तो खोल के रखेंगे तो क्या मिलेगा? 0.4 और 7 7 रिपीट होगा, तो पहले तो डिसाइड करो कितनी बार रिपीटिंग पैटर्न रखना चाहते हो। 4 7 7 7, ठीक है 3 डिजिट काफी रहते हैं ना, तो डॉट 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 लगा, मतलब डेसिमल के बाद 4 डिजिट कर दिया करो टोटल मिला के, ताकि बड़ा सा थोड़ा सा नंबर दिखाई दे, ठीक है डॉट 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 लगाना ना भूलेंगे। खोल के रख दिया, अब ये बताओ कि किससे मल्टीप्लाई करूं, 10 से या 100 से? अब आप देखो डेसिमल के बाद एक डिजिट तो दो है लेकिन बार तो एक के ऊपर ही है, तो मिनिमम आपको 10 से करना है, हालांकि आप 100 से करेंगे तो भी आंसर तो आ जाएगा, तो किससे कर दूं मैं इसको? 10 से। तो सेम पहले की तरह मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10, एक्स को 10 से करेंगे वही 10x आएगा। अब यहां पे ये सोचना इंटरेस्टिंग होगा कि इधर क्या आएगा, इधर क्या आएगा, ध्यान से देखेंगे सब लोग। देखो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डेसिमल यहां से उठ के वहां जाएगा, तो नंबर क्या बनेगा? 7 7 7। लेकिन उधर 4 डिजिट है, इधर 3 डिजिट है, तो बारात से एक उधार लेना पड़ेगा। बारात में कौन बैठा है? 7 7 7 7 बैठे हैं बहुत सारे, तो 1 7 उठा लो, हो गए इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स ऊपर और नीचे, याद रहे डॉट 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 लगाना मत भूल जाना, ठीक है। अब कर दो माइनस, तो 10x - x सेम पिछली बार की तरह 9x हो गया। और इधर अब इधर ऐसा नहीं है कि बारात से बारात पूरी कट गई, इधर देखो ध्यान से, जब RHS - RHS कर रहे हैं तो ध्यान से देखना, केवल 3 डिजिट वाली बारात कैंसिल आउट होगी यहां से लेके यहां तक, केवल ये पैटर्न कटेगा, पिछली बार की तरह पूरा 4 से 4 पैटर्न मत काट देना, केवल पैटर्न देखना पड़ेगा कौन सा कट रहा है। तो 7 7 7 वाला पैटर्न कट गया, नीचे भी 7 7 7 7 डॉट 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 है, ऊपर भी 7, तो ये पैटर्न से पैटर्न कटा, बचा क्या? 4.7, ऊपर क्या बचा? 0। आपको अगर डाउट है तो आप एक बार लिख लो क्या बचा नीचे, 4.7 माइनस करना है उसमें से क्या बचा? 0.4, बाकी बारात तो कट गई, 4.7 में से 0.4 घटाना जरा क्या मिला? 4.3। तो 9x की वैल्यू 4.3 हो गई, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4.3 के नीचे मैं 9 ले आऊंगा, ठीक है ये 9 उठा के इसके नीचे ले आऊंगा, क्या आंसर आ जाएगा? 4.3/9। पर ये p by q की फॉर्म नहीं है, क्योंकि p by q की फॉर्म में p और q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, 4.3 इंटीजर नहीं है ना, तो इसका ये डेसिमल हटाने के लिए नीचे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी आंसर क्या आ जाएगा? 90। अब ये p by q की फाइनल फॉर्म है 43/90, ओके।
ये आ गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, एक्स इक्वल टू 0.47 के ऊपर बार इक्वल टू 43/9। मैत्री जाओ भाई, वीडियो से देख लेना लास्ट 2 मिनट का। आपकी मामा आती हो? आपको डेली लेने आती मामा? हमारी मम्मा तो ऐसी थी नहीं, बोलती थी अपने आप जाओ पढ़ लो कर लो जो करना है करो। ओके गुड। फिर मितांशी आप शुक्ला। फिर आप शॉर्टकट से वंचित रहेगा, वीडियो से देख लेना। है ना, आप ग्रुप में हो ना, तो वीडियो से मेक श्योर कि आप वो शॉर्टकट देख लो। ठीक है, चलें थर्ड इन द लास्ट वन। और फिर शॉर्टकट की बात करनी है, मेन तो वही है, एक्साइटमेंट तो उसी की है। ये तो पढ़ गया स्कूल में भी, है ना, वो क्या शॉर्टकट है, थर्ड वाला कर लो यार। फिर शॉर्टकट तीनों पे एकदम से बताएंगे ना, तो वो समझ में आएगा कि ये ऐसे अप्लाई हुआ। ओके, होमवर्क में अगला वाला देंगे ना, 1/17। ओके चलो। हाँ जी, हो गया नोट डाउन, हो गया नोट डाउन दोनों क्वेश्चन, इससे पहले वाला और ये वाला। समझ में आ रहा है बानू मान्या? आपको समझ में आ रहा है? अब कौन बचा है जो ग्रुप में नहीं हो, बताओ पहले तो। मान्य आप नहीं हो ग्रुप में, आप भी नहीं हो, आप भी नहीं हो, आप नहीं हो, आप नहीं हो, और प्रियांशी आप भी नहीं हो। ठीक है, आप दोनों भी जाते ही करो ताकि आप अगली बार ऐसे क्लास में लेट ना हो, क्योंकि टाइम बेटा ग्रुप में डाला जाता है। जाओ फिर शॉर्टकट भूल जाओ। नहीं कल नहीं बताएंगे, बताएंगे तो आज ही बताएंगे, अब डिसाइड करो। ओके 7 बजेगी क्या? चाक सू जाएगा, 7 बजेगी हद है। हाँ आधा घंटा लगता है चलो घर जाने में, निवाई में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट कहीं पर कितना भी दूर हो मैक्सिमम 5 to 7 मिनट्स लगते हैं, अगर 2 व्हीलर्स हैं तो। कहीं भी जमात भी पहुंच जाए आदमी 5 मिनट में आराम से, है ना, इससे ज्यादा तो है ही नहीं। ओके 0.001, और आपकी आप लोग गाड़ी किस स्पीड में चलाते हो भी जानता हूं मैं, वो 5 की भी 2 ही मिनट लगती है, 5 की भी 2 ही मिनट लगती है। ओके चलो इसको बिखेर के रखो एक बार, तो 001 को रिपीट करना है, तो 001 को रिपीट करेंगे तो एटलीस्ट 6 डिजिट तो लिखें, क्योंकि 3 डिजिट तो रिपीट ही हो रहे हैं, 4 में लिखेंगे तो रिपीटिंग पैटर्न तो कम से कम 2 बार दिखाई दे। तो क्या लिखेंगे हम इसको, 001 001, और फिर लगा देंगे डॉट 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 001 001 डॉट डॉट डॉट। यस छवि, अब आप बताओ कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करने से काम चलेगा? टेन से काम चल जाएगा। मान्य आप बताओ, 1000 से जितने डिजिट्स के ऊपर बार है मिनिमम उतने जीरो चाहिए, 3 डिजिट के ऊपर बार है ना तो मिनिमम 1000 होना चाहिए, मैक्सिमम की कोई गिनती नहीं है, मतलब आप 1000 मिनिमम तो रखना ही है। आप चाहो तो 10,000 से कराओ, 1 लाख से कराओ, उससे भी आंसर आएगा, लेकिन मिनिमम 3 जीरो तो मुझे चाहिए ही चाहिए। ओके सो 1000 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, अब पहली बार 10 की जगह 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 10x नहीं बनेगा, क्या बनेगा 1000x, क्या बनेगा 1000x। और इधर जो है 3 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा भाई, अब 3 डिजिट शिफ्ट करना है आपको, तो देखो 3 डिजिट जब मैं शिफ्ट करूंगा तो ये डेसिमल देखो यहां से उठ के 1 2 3 इस जगह आ जाएगा, तो इस जगह आ जाएगा तो लेफ्ट साइड में क्या बचा, 1 ओनली 1, 001 को तो 1 ही पढ़ सकते हैं ना,
1.001 हो गया ये, क्या हो गया 1.001। और आगे फिर पैटर्न 1.001 लिखने के बाद इधर 3 डिजिट का ही पैटर्न रह गया जबकि उधर 6 डिजिट का है, तो आगे से 3 डिजिट का पैटर्न उधार लेना पड़ेगा। तो 001 के बाद आगे क्या है, 001 ही है, तो वो 001 उधार लेके आप यहाँ पे लिख दो 001 डॉट डॉट डॉट। ओके चलो अब सबट्रैक्ट करेंगे तो पैटर्न चेक करो कितना कैंसिल आउट हुआ, पूरा ही कैंसिल आउट हो गया, 001001 6 डिजिट, 001001 6 डिजिट, पूरा पैटर्न कैंसिल आउट हो गया, ओनली 1 माइनस 0 बचेगा, ओनली क्या बचेगा 1 माइनस 0 और 1 माइनस 0, और इधर क्या बचेगा 1000 में से 1 x गया तो कितने x बचे 999 x बचे, अब की बार 999 x बचे हैं और इधर 1 माइनस 0 बचा है, 1 माइनस 0 क्या होता है 1, सो x की वैल्यू निकालने के लिए ये 999 1 के नीचे लगाते हैं, ये जो 999 है इसको किसके नीचे लगा देंगे हम, 999 जो है उठ के 1 के नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/999 आंसर। आप एक काम करो इसको नोट करने का काम आप घर से कर लेना, पैटर्न तो समझ गए, एज होमवर्क कर लीजिएगा, नहीं तो वीडियो सबके पास आता है वहां से कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। अब शॉर्टकट देखो क्या है, 0.001 के ऊपर बार का आंसर आ गया फाइनली 1/990, डन। शॉर्टकट बताऊं कर दूं उसको डिलीट, अच्छा नोट भी कर लिया सुनो, ठीक है कर दूं डिलीट, मुस्कान कर दूं, ठीक है। सुनो भाई क्वेश्चन है, जैसे 0.47 के ऊपर बार वाले से स्टार्ट करते हैं, इससे सबसे अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। 0.47 के ऊपर बार इसको करना है, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिसाइड करना है आपने को, ठीक है। न्यूमरेटर डिसाइड करने का पैटर्न थोड़ा सा अलग है, डिनोमिनेटर डिसाइड करने का पैटर्न थोड़ा सा अलग है, तो पहले न्यूमरेटर डिसाइड करने का पैटर्न बताता हूँ, अभी डिनोमिनेटर की बात नहीं करूंगा, केवल और केवल न्यूमरेटर। सो न्यूमरेटर डिसाइड करने के लिए क्या करेंगे हम, जो गिवन नंबर है उस नंबर को डेसिमल और बार हटा के लिख दो, तो क्या बना 47, क्या कहा मैंने, ये केवल न्यूमरेटर का पैटर्न बता रहा हूँ। क्या करना है न्यूमरेटर का पैटर्न डिसाइड करने के लिए, डेसिमल और बार जो भी थी हटा दो, तो नंबर क्या बन गया ये, अब इसमें से वो नंबर माइनस करो जिसके ऊपर बार नहीं है, किसके ऊपर बार नहीं है, तो 4 माइनस करो, क्या मिला न्यूमरेटर डिसाइड हो गया, 43 आया था इसका न्यूमरेटर आया था। अब डिनोमिनेटर बताओ, डिनोमिनेटर डिसाइड करने के लिए सबसे पहली चीज याद रखना, डिनोमिनेटर कभी भी डेसिमल से पहले वाले नंबर्स को देखता ही नहीं है, हमेशा डेसिमल के बाद वाले नंबर्स को ही देखता है, न्यूमरेटर दोनों को देखता है, न्यूमरेटर डेसिमल से पहले का भी देखता है, डेसिमल के बाद का भी देखता है, बट डिनोमिनेटर ओनली है डेसिमल के बाद वाले डिजिट साइड होगा, पहले से उसका कोई भी बात नहीं, ठीक है। अब इस बात को क्या था कि डेसिमल से पहले 5 0 तो जो न्यूमरेटर के लिए भी चला होगा डिनोमिनेटर के लिए भी चला, क्योंकि पहले तो नहीं, लेकिन सपोज करो डेसिमल से पहले भी कोई नंबर्स हैं तो न्यूमरेटर के लिए वो नंबर्स भी काउंट होंगे, लेकिन डिनोमिनेटर्स के लिए वो नंबर काउंट नहीं। अब डिनोमिनेटर से करना क्या है बता दूं, जितने बार उतने नौ, जितने नौ बार उतने जीरो, बोलो जितने बार उतने नाइन, जितने नॉन बार मतलब बार के अलावा जो नंबर से नॉन बार नंबर से लाते हैं उतने जीरो, कितने यानी क्या है डेसिमल से पहले को देखना है, देखना है डेसिमल के बाद, तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, दो डिजिट्स हैं, एक पे बार है एक पे बार, तो एक पे बार है उसका लगा दो 9 और एक पे बार नहीं है उसका लगा दो, तो 90 क्या बन गया 90 आंसर। समझ आया क्या, बोलो जितने डिजिट्स पे बार है उतने 9 लगा देंगे, जितने डिजिट्स पे बार नहीं है उतने 0 लगा देंगे, ये डिनोमिनेटर डिसाइडिंग पैटर्न हो गया। न्यूमरेटर डिसाइडिंग पैटर्न क्या है, डेसिमल बार हटा के पहले नंबर एज इट इज लिख दो, उसमें से वो नंबर माइनस कर दो जिसपे बार नहीं है। चलो अगला ट्राई करें, 0.6 के ऊपर बार है, ओके डेसिमल और बार हटा दूं तो नंबर बनता है 6, उसमें से वो माइनस करो जिस पर बार नहीं है, तो ऐसा कोई नंबर ही नहीं जिस पर बार नहीं है, तो कुछ माइनस होगा ही नहीं अब की बार, डिवाइडेड बाय डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं 1, उस पर बार है क्या, है तो 1 9 लगा दो, 6/9 को सॉल्व करो 2/3, यही आंसर आया था। लास्ट एंड द फाइनल वन, 0.001 के ऊपर बार, डेसिमल और बार हटाऊंगा तो नंबर क्या बनेगा 001 यानी 1, अच्छा माइनस कुछ करना ही नहीं है क्योंकि बार के अलावा कोई नंबर ही नहीं है, तो 1 माइनस करना नहीं है, केवल 1 ही लिख दो, डिवाइडेड बाय कितने डिजिट्स के ऊपर बार है, तो 3 बार 9 लिखो आंसर, यही आया था।
अब एक आप शॉर्ट ट्रिक से करके बताएंगे सारे बच्चे अभी रफली। 36.254377 के ऊपर बात। इसको तो बेसिक पैटर्न से करने की सोचना भी मत, शॉर्ट ट्रिक से ही करना है इसको तो, जब भी आया अगर ऐसा आ जाता है शॉर्ट ट्रिक से करके बताएंगे सब बच्चे। अब जो सारा करो अब सॉल्यूशन के साथ रिपीट करेंगे, जिन्होंने कर लिया उनको करने दो एक बार, उन्होंने स्टार्ट कर लिया। 400 मुझे लगता है आपने गलत लिखा है, चलो बाकी वो करने दो एक बार देखेंगे आपका भी। बोल तो दे क्या आया। 412 यार आपका भी अपॉन मैत्री बोलो, ओ मितांशी बोलो। आयुषी बोलना नहीं बोलेगी। ओके मोनिका आप बोलो, नहीं बोलोगे। यस चलो क्या कहा था मैंने, सबसे पहला स्टेप क्या होता है वो ही भूल गई थी। 12 डेसिमल को हटाना, बगल में बैठी है तेरी वो से पूछ लेती। 12 डेसिमल को हटाना जरा, चल हटा दे। 12 डेसिमल हटाती क्या बना, ये नंबर क्या बना, ये डेसिमल ऐसे ऐसे देखना, ये डेसिमल हटा ये बार हटा हट गए। अब नंबर जो दिखाई दे रहा है उसको छाप दो, ऐसे कैसे छाप सकते हो ना, क्या क्या मिलेगा छपने के बाद, ये 36254377। अब इसमें से वो नंबर माइनस करो जिस पर बार नहीं है। डेसिमल याद रखना अभी भी हटा हुआ है, न्यूमरेटर पार्ट के लिए डेसिमल अभी भी हटा हुआ है, तो डेसिमल पार्ट हटा हुआ है तो नॉन बार का नंबर ये है। अब आपने 25 माइनस किया होगा, केवल 3625 पूरा माइनस किया है। मैंने क्या कहा था, न्यूमरेटर डिसाइड करने के लिए आपको डेसिमल के लेफ्ट और राइट दोनों नंबर्स काउंट करने हैं, दोनों का में डिसाइडिंग फैक्टर्स होंगे। सो डेसिमल बार हटा दो बस, जो बार के बना नंबर है 3625 है उसको कर दो इसमें से माइनस, ठीक है। डिवाइडेड बाय, अब डिनोमिनेटर डिसाइड करने के लिए केवल और केवल डेसिमल के बाद के नंबर्स देखने हैं, पहले के नंबर्स नहीं देखने। कितने नंबर्स हैं, 5। कितनों के ऊपर बार है, 3 के ऊपर बार है तो 3 बार 9। कितनों के ऊपर बार नहीं है तो डेसिमल के बाद देखना, कितनों के ऊपर बार नहीं है तो। इसको सॉल्व करना जरा, 7 में से 5 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 6, 14 में से 6 गया 8, 4 में से 3 गया 1, 3 6 2। अब देखो जो भी आप लोग आंसर्स दे रहे थे, कोई भी बच्चा मुझे 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स का आंसर नहीं दे रहा था न्यूमरेटर में, तो उसी से पता चल रहा था गलत है। भाई अगर इधर डेसिमल बार हटा के कितने डिजिट के आंसर नंबर बना, 1 2 3 4 5 6 7, तो कुछ भी कर लो ऊपर 7 डिजिट का तो नंबर बनेगा ना, तो आपके बोलते ही पता चल रहा था आप गलत बोल रहे हो। ओके अब सुनो, ये आंसर तो आ गया लेकिन किसी को यकीन नहीं हो रहा होगा कि सर तो ऐसे मजाक कर रहे हैं, क्या पता ये इसकी पी बाई क्यू की फॉर्म होती भी कि नहीं होती है, डाउट तो हो ही रहा होगा ना, क्योंकि इसको कौन सा हमने बेसिक तरीके से करके देखा है, नहीं करके देखा, नहीं करके देखा ना। तो हम इसको कैलकुलेटर महोदय की मदद से चेक करेंगे कि हमारा आंसर सेम है या नहीं है। सेम है, चेक कर लिया। ओके अच्छा वो पहले ही करके देख रहा है, उसको पहले ही डाउट था सर तो पता नहीं सही बता रहे नहीं बता रहे, मैं तो अपना करके देख लेता हूँ कि सही है कि नहीं है। ओके चलो देखो क्या करना है अपने को, 36 इस नंबर को याद करो, 3621812 याद हुआ, 3621812 डिवाइडेड बाय क्या है वो तो याद हो गया होगा, 9999000। एंटर दबाओ, लुक एट द नंबर, एक मिनट। ओके नाउ लुक एट द नंबर, ऊपर और नीचे नंबर मैच करो, 36 36 25 25, फिर रिपीटिंग पैटर्न देखो, 437 437 437 437, तो 437 के ऊपर बार। अब कैलकुलेटर तो झूठ नहीं बोल रहा होगा, तो पक्का हो गया कि जो हमने किया है वो वाकई में इस नंबर की पी बाई क्यू की फॉर्म है। ओके नाउ द होमवर्क पार्ट, आ जाइए आपको क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 होमवर्क करना है। करना है क्या सुन लो,
फोर में आपको 0.99999 की पी वाई क्यू की फॉर्म लिखनी है, यानी जो अभी अपन काम कर रहे थे वही काम करना है। किसके लिए? 0.99999, 0.99 का मतलब क्या होता है, 0.9 के ऊपर बात। इस नंबर के आपको पी वाई क्यू की फॉर्म लिखनी है इस क्वेश्चन में। और फिफ्थ क्वेश्चन में आपको क्या करना है, 1/17 की डेसिमल फॉर्म लिख के आनी है, 0. जो भी बनेगी 16 डिजिट्स पे रिपीट होगा। तो बड़ा सारा काम है लेकिन करके आना है। ये दोनों काम आप घर से करके लाएंगे, ठीक है? बाकी क्वेश्चंस कल देंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।